मैं जानती हूँ आप सब मोटापे से बहुत परेशान हैं। मेरे पास इतने सारे दर्शकों के मेल्स आते हैं जो मोटापे से परेशान हैं, कुछ अपने ज़्यादा पतले होने से भी परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है आपकी लापरवाही से, बीमारी, उल्टी डाइट, ग्रहों की वजह से। बाकी की जानकारी तो मैं देती रहती हूँ, आज मैं आपको मोटापे का ग्रहों से कनेक्शन क्या है ये समझाऊंगी। तो भी मोटापे से परेशान हैं, गौर से सुनिए। वैसे तो गुरु ग्रह बृहस्पति को मोटापे का कारण माना जाता है, लेकिन कुछ हालातों में चंद्रमा और शुक्र भी आपके मोटापे की वजह बन सकते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु के प्रभाव से छरहरे और पतले रहते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है वो जन्म से गोल मटोल होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होता। आपका शरीर कैसे बढ़ेगा यह आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक तय हो जाता है। और ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जो शरीर में फैट को कंट्रोल करते हैं। ये फैट ही तो आपके मोटापे की वजह बनता है। वात, पित्त और कफ की बीमारियां भी इन्हीं ग्रहों से काफ़ी तरह से रिलेटेड होती हैं, और आपको शरीर का जो विकास होता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है, या तो आप बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। आज मैं मोटापे की पर बात कर रही हूँ, जल्द ही किसी दिन पतले लोगों की भी बात और समस्या का निदान करेंगे। शो लगातार देखते रहिए। अभी जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो ध्यान से सुनिए। आपकी राशि और मोटापे की राशियों की बात की जाए तो मोटापे की समस्या वैसे तो हर राशि में होती है, लेकिन कुछ राशियों में समस्या ज़्यादा होती है। वो राशियाँ हैं मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क, वृश्चिक, तुला और मीन। आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक मोटापा घटता और बढ़ता रहता है। लगन में जलीय राशि हो, जैसे कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन, या फिर इन राशियों के स्वामी लग्न में हो, तो ये शुभ भी है, आपके मोटापे की वजह भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो तो भी ज़्यादा मोटापा हो सकता है, या फिर आप बहुत पतले रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनका भी जन्म पूर्णिमा के दिन होता है वो अक्सर मोटे होते हैं, जबकि अमावस्या के दिन जिनका जन्म होता है वो ज़्यादातर पतले होते हैं। शादी के बाद अगर चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मजबूत हों तो मोटापा होता है, अगर शुक्र कमज़ोर हो तो शादी के बाद कमज़ोरी आती है। राहु भी अक्सर पतलेपन की वजह होता है, लेकिन साथ में बृहस्पति हो तो मोटापा भी आ सकता है। अब आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब ज्योतिष की जानकारी है, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ज्योतिष को समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में पड़ने वाले प्रभाव को भी समझें। अब आपके फ़ायदे की बात करती हूँ, जो सीधे आपको समझ में आ जाएगी। अभी तो आपको उस ग्रह के बारे में बताया जो मोटापे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मोटापा दूर करने वाले ज्योतिषी उपाय तो बाकी हैं, और एक धागा जिसके खास तरीके से बांधने पर मोटापा कम होता है, आगे बताऊंगी। अभी एक और खास जानकारी, मुझे मालूम है आप इंतज़ार कर रही होंगी कि कब मैं आपको मोटापा दूर करने वाले उपाय बताऊँ, तो लीजिए वक्त आ गया। अब जानिए वो ज्योतिषी उपाय जिन्हें करने से मोटापा दूर होता है, आपकी बॉडी स्लिम बनती है। कैसे दूर करें मोटापा उपायों से? शनिवार और रविवार के दिन उपवास रखें। आपको मोटापे का कारण अगर कुंडली में ग्रहों की दशा है तो आप शनिवार को रविवार के दिन उपवास रखें, और अगर खाने के बिना नहीं रह सकते तो इन दोनों दिनों में केवल फल खाएं। जल्द ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। रांगे की अंगूठी पहनें, रांगे की अंगूठी बनवाकर धारण करें, इससे आपको राहत मिल सकती है। फिरोज़ा पहनने से भी मोटापा कम होता है, लेकिन मोटापे का इलाज भी होता है, इसीलिए पहले मोटापा जानलेवा बन जाए तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, सलाह लीजिए। इलाज और जिम एक्सरसाइज और रनिंग के साथ साथ ये उपाय कीजिए। किस अंगूठी को धारण करने से दूर होता है मोटापा? किसी भी संडे के दिन काले रंग के धागा लेकर उसे अनामिका उंगली में लपेट कर उसके ऊपर रांगे मेटल की बनी गई अंगूठी पहनने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा, आपका मोटापा कम होने लगेगा। ये अंगूठी सोना चांदी बेचने वालों की दुकान पर इजीली मिल जाती है।